हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल दलिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमें एक कटोरी दलिया लेना है और इसे मैंने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दलिया, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, खीरा, नींबू। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सभी वेजिटेबल्स को हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। आप चाहें तो घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो चाहें वो आप ले सकते हैं। राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अपने स्वाद के अनुसार डालना है आपको। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा और कम खाते हैं तो कम। हल्दी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऐड करेंगे। अगर आप कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर रहे हैं तो इस मोमेंट पे आपको वो वेजिटेबल भी इसी में ऐड करनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने बहुत बेसिक सी वेजिटेबल्स इसमें ऐड करी है। आप चाहें जो ऐड कर सकते हैं, लौकी हुई, कद्दू हुआ, वॉट एवर यू वॉन्ट। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने दलिया रोस्ट करके रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुनगुना पानी ऐड करेंगे हम इसमें। जितना हमने दलिया लिया था, जैसे हमने एक कटोरी अगर दलिया लिया था तो 2.5 कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कोशिश कीजिए कि जब भी आप कुछ बनाएं, चाहे कोई सब्जी हो या कुछ भी आप बना रहे हो जिसमें आप पानी डाल रहे हो, ऊपर से हमेशा गुनगुना पानी ऐड करो। एक बार सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी की क्वांटिटी काफी हद तक रिड्यूस हो गई है और दलिया फूलने लगा है। हम सब सोचते हैं कि यार दलिया दलिया तो जब बीमार होते हैं तब खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से दलिया बनाएंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो, आप ऐसे भी खा सकते हैं। इसे ये बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसमें खीरा ककड़ी ऐड करेंगे। खीरा ककड़ी मैं इसलिए बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल पकाना नहीं था, थोड़ा क्रंची रखना था ताकि अच्छा लगे। दलिया ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा। एक बार हम इसे हिला के देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे ऊपर से। हरे धने से गार्निशिंग करेंगे। दलिया बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। एंड आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई है। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।